हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां आज बीजेपी की हरियाणा में बड़ी खबर, उम्मीदवारों की लिस्ट हो सकती है जारी। इनेलो पार्टी की ओर से 7 उम्मीदवारों की सूची की गई जारी। लिस्ट कभी भी हो सकती है जारी, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से, जहां आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के हमारे सहयोगी प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। देखिए, आज बीजेपी के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो सकती है, और बता दें कि 40 नामों पर जो है चर्चा जोरों पर है, क्या कुछ कहिएगा प्रवीण जी? कवायद भी चल रही है कि जल्द से जल्द लिस्ट को जारी किया जाता है, जिसको लेकर भाजपा की पार्टी और कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य पार्टी है वो भी प्रयास कर रही है, क्योंकि 5 तारीख को जो है नामांकन शुरू हो जाएगा, उससे पहले तमाम पार्टियों को अपना जितने भी संभावित प्रत्याशी है उनकी लिस्ट जारी करना बेहद जरूरी हो गया। तो उसको लेकर लगातार जो है बात कर लेते हैं, दिल्ली में लगातार बैठक का दौर भी जारी है, हरियाणा प्रदेश में भी तमाम पार्टियों की बैठक का दौर जारी है, जिसको लेकर भाजपा भी और कांग्रेस भी तमाम पार्टियां जो लगातार बैठक कर रही है, और जो उनके जो संभावित उम्मीदवार उनके साथ कहना की चर्चा भी चल रही है, और जिसमें खास करके जो भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है या जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनके भी जो केंद्रीय स्तर के जो अपना जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार हरियाणा प्रदेश के नेताओं के साथ बैठ के बातचीत करी। तो लगातार कवायद जारी है कि जल्द से जल्द लिस्ट को जारी किया जा सके, क्योंकि लिस्ट जारी होनी बेहद जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि दिलों की धड़कन तमाम संभावित उम्मीदवारों की बढ़ी हुई है। जो उम्मीदवार है वो भी चाह रहे हैं कि पिछले कई दिन से लगातार दिल्ली और हरियाणा प्रदेश में लगातार आस पर डेरा डाले हुए हैं कि जल्द से जल्द उन्हें हरी झंडी मिले और उन्हें टिकट मिले और वो अपने क्षेत्र में जाए, अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ पहुंचकर अपने क्षेत्र में जाकर फिर से लोगों से मुलाकात करें, क्योंकि चुनाव के जो है वो तारीख भी नजदीक आ रही है, उससे पहले लोगों को मिलना बेहद जरूरी है। तो इसको लेकर लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि आज और कल में कभी भी भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से लिस्ट जारी हो सकती है, और जो इनेलो पार्टी की ओर से तो अब तक 7 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहल करती दिखाई दे रही है। तो अन्य जो पार्टी है वो भी अब कहीं ना कहीं आज या कल में जो सूत्र बता रहे हैं कि वो भी अपनी लिस्टों को जो संभावित उम्मीदवार उनको लेकर जारी कर सकते हैं, जिसको लेकर जो संभावित उम्मीदवार है वो भी कयास लगा बैठे कि कई दिन से उन्होंने डेरा डाला हुआ है, वो भी चाह रहे कि जल्द से जल्द वो अपने गृह क्षेत्र में जाएं और लोगों को से मुलाकात करें और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा किया जा सके, क्योंकि 5 तारीख से लेकर जो है नामांकन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले तमाम जो उनके कागजात है वो भी पूरे करने जरूरी है, तो उनके हस्ताक्षर जरूरी है, तो उनको लेकर उसमें लेटर भी लगता है, तमाम चीजों को लेकर तमाम जो संभावित उम्मीदवार है वो पूरी तरह से प्रयास करेंगे जल्द से जल्द लिस्ट जारी हो ताकि वो अपने गृह क्षेत्र में जा सके। जी अवंतिका जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन सबके बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो सीट है उस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है प्रवीण जी। जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर भी कश्मकश की स्थिति जारी है, भाजपा कहीं ना कहीं पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है और वो नहीं कहीं रिस्क लेना चाह रही कोई भी किसी प्रकार का, ना तो सीटों के मामले में और ना ही जो संभावित उम्मीदवार है उनके बारे में कोई जोखिम लेना चाहती है, वो चाह रही कि जो भी कैंडिडेट जो आए वो पूरे जिताऊ कैंडिडेट हो ताकि आने वाले समय में स्पष्ट बहुमत से सरकार फिर से बना सके, और भाजपा क्या भी भाजपा की ओर से कहा भी जा रहा है कि वह फिर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी पूरा प्रयास करेगी जो भी लिस्ट में नाम आ रहे हैं उनकी पूरी प्रोफाइल की जांच की जाए ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। तो इसको लेकर कवायद जारी है और तमाम जो है लोग जो संभावित उम्मीदवार है वो तैयारी में जुटे हैं, और खास करके जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है उनकी भी रणनीति पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उनके क्षेत्र में निर्धारित हो चुके हैं, ये तो सबसे लिस्ट जारी होने की एक इंतजार हो रही है, तो उसमें सभी के नाम जो है पूरी तरह से पड़ताल करके लिस्ट को पूरी तरह से चयन प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से फाइनल कर देगा, बहुत जल्द अब लिस्ट जारी होगी ताकि सभी अपने अपने क्षेत्र में जाके चुनाव प्रचार में जुट सकें। जी अवंतिका जी बिल्कुल, एक और देखिए बड़ी जो बात निकलकर सामने आई, इसके अलावा जो है जो जननायक पार्टी जनता के जो बागी विधायक है देवेंद्र बबली जी और जेल अधीक्षक के पद से इस्तीफा देने के बाद वो भी पार्टी में उनकी भी शामिल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनावी समर है और ऐसे में तो आया राम गया राम की स्थिति तो सभी पार्टियों में लगी रहती है, तो कोई भाजपा को छोड़कर जाएगा तो कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आएगा, कोई जेजेपी को छोड़कर जाएगा, तो ये स्थिति तो इन दोनों में चलती रहेगी, क्योंकि इस समय चुनाव की प्रक्रिया है, हर कोई ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे सीट मिले और ताकि मैं जीतकर विधानसभा में पहुंच सकूं, लेकिन उसको लेकर तमाम जितने भी
जो पूर्व विधायक हैं या जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पार्टी में जाकर उनके टिकट जरूर मिले, लेकिन कई पार्टियों में टिकट ना मिलने के कारण विधायकों को वापस लौटना पड़ रहा है। तो उसको लेकर वो भी एक रणनीति में चले हैं कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा, क्या किसी पार्टी के बैनर सिंबल के तहत लड़ा जाएगा। तो उसको लेकर कुछ तो आयाराम गैराम की स्थिति तो बनी रहेगी, क्योंकि अभी 5 तारीख से नामांकन है, तो उससे पहले ये स्थिति बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, तो इसको लेकर स्थिति इस तरह से बनती नजर आएगी। जी अवंतिका, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा से जो बीजेपी कैंडिडेट के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है, और आपको बता दें कि बड़े चेहरों के समेत 40 नामों पर जो है चर्चा तेज है। तो लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि किसकी किसकी जो उम्मीदवारी है उनको मिलती है और वो मैदान में उतरते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।